हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रांस बॉश। तो इनका ड्यूरेशन है 1858 टू 1942। तो गाइस, फ्रांस बॉश फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी उनको माना जाता है। वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फादर थे एंड ये बहुत ही फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे फ्रांस बॉश। एंड इनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एंथ्रोपोलॉजी फील्ड में, इसी रीजन से इन्हें फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स रहे हैं। तो गाइस, फ्रांस बॉश के कॉन्ट्रीब्यूशन जानने से पहले हम जानेंगे इनके थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री यानी जीवनी। फ्रांस बॉश, इनका तो जन्म 1858 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। वे बचपन से ही काफ़ी टैलेंटेड थे। 13 ईयर्स अब ओल्ड थे तो उस टाइम में उन्होंने अपनी बड़ी सिस्टर के पास एक लेटर लिखा था एंड उस लेटर में उन्होंने संसार के अज्ञात भूमि के स्टडी रिलेटेड अपनी इच्छा व्यक्त की थी। फ्रांस बॉश की भूमिका एक शिक्षक, प्रशासक, शोधकर्ता, एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के निर्माता और अध्ययन संपादक, प्राध्यापक, क्षेत्र अध्ययनकर्ता के रूप में बड़ी सराहनीय रही है। इतने इतने फील्ड्स में उन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। फ्रांस बॉश की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 700 शोध पत्र, रिसर्च जो पेपर है, लिखा है और इसके अलावा अनेक उनके बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। बहुत सारे उनके बुक्स है। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के कारण बॉश का स्थान एक नायक के रूप में, एक पिता के रूप में, गुरु के रूप में समाज में पाया जाता है। इन्होंने दर्जनों पुस्तकों की रचना की थी। इन्होंने अपने अनेक स्टूडेंट्स को एंथ्रोपोलॉजी में उसे टीचिंग किया है, उसे प्रशिक्षित किया है, उसे ट्रेनिंग किया है, ट्रेंड किया है। सामान्य मानव शास्त्र और एथनोग्राफी में उन्होंने किन स्टूडेंट्स को उन्होंने रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया या फिर उन्हें उनका कंप्लीट कराया, उनका कोर्स, उन्हें नॉलेज दिया। तो हर्स कोविट्स की हम बात करेंगे तो फ्रांस बॉश ने एथनोग्राफी फील्ड में एंड जनरल एंथ्रोपोलॉजी में उनके जो स्टूडेंट्स थे हर्स कोविट्स थे, हर्वल थे, अल्फ्रेड यानी एल क्रॉबर, रॉबर्ट लोबी, ये सब उनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एथनोग्राफी एंड जनरल एंथ्रोपोलॉजी में फ्रांस बॉश से शिक्षा प्राप्त किया था। साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें उनके स्टूडेंट रहे रूथ फेल्टन, बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड जिसे मदर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले रूथ फेल्टन, बेनेडिक्ट एंड उसके बाद फिर मार्गरेट मीड फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अमेरिकन इंडियन स्टडीज़ में उनके स्टूडेंट में रहे अलेक्जेंडर गोल्डन, फाइजर, पॉल रेडिन, क्लार्क विस्लर, ये सब रहे हैं। और मानव शास्त्री भाषा विज्ञान की बात करें तो इसमें उनके स्टूडेंट हैं एडवर्ड सापीड और उनके भाषा विज्ञान में उनके स्टूडेंट थे। जब उनके स्टूडेंट्स ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की तो फ्रांस बॉश का मानव शास्त्र दृष्टिकोण से व्यापक प्रसार अमेरिका में हुआ। इसी रीज़न से उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। हर्स कोविट की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, एडवर्ड सापीड की बात करें तो शिकागो यूनिवर्सिटी, एल क्रॉबर की बात करें तो एल क्रॉबर लॉबी, ये सारे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट का फाउंडेशन किया। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब काफ़ी टैलेंटेड थे और ये सभी स्टूडेंट्स फ्रांस बॉश के रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी काफ़ी टैलेंटेड रहे हैं। अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू, अपने योगदानों के बावजूद भी बॉश के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कोई मानव शास्त्रीय संप्रदाय की स्थापना नहीं की है। इसका रीज़न यह था कि फ्रांस बॉश ने नवीन सिद्धांत निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी थी। इसी रीज़न से वरन इन्होंने अपना अधिकांश जो समय है, जो टाइम है, पहले से चले आ रहे मानव शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना में व्यतीत किया, उसे क्रिटिसाइज करने में किया। फ्रांस बॉश ने 1896 में घटनाओं के विधिक्रम की संभावनाओं को दोहराया, लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, उन्होंने उद्विकासवादियों द्वारा प्रयुक्त जो कंपेरेटिव जो मैथड था जम के उसकी आलोचना कर दी। उद्विकासवादियों ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग सार्वभौमिक अवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए किया था।
इसमें मतभेद नहीं है कि संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है सार्वभौमिक है। इसी आधार पर यह कंक्लूजन निकाला गया कि समान विशेषताएं समान कारण से उत्पन्न हुई है एंड इसी रीजन से निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है यह एक भव्य व्यवस्था है जिसके अनुसार प्रत्येक स्थान के मानव विकसित हुए, लेकिन यह अभिधारण या कल्पना बहुत सारे डायरेक्ट एग्जाम्पल के लिए सच नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मुखौटों का प्रयोग कभी वेश बदलने के लिए किया जाता है तो कभी दुष्ट आत्मा से बचाव के लिए, तो कहीं लोगों और आत्माओं को डराने के लिए, तो कहीं संबंधी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन सभी एग्जाम्पल से यह क्लियर है कि सारी घटनाओं के विकास के लिए समान विश्वव्यापी कारण नहीं रहे हैं। इन्होंने विलुप्त हो रही स्थानीय उत्तरी अमेरिका भारतीयों के संस्कृतियों को जितना अधिक से अधिक संभव हुआ उनको अभिलिखित करने का प्रयास किया। यूरो अमेरिकन संस्कृति को आत्मसात करने के कारण अमेरिकी भारतीय संस्कृति का क्षय हो रहा था। बचाओ एंथ्रोग्राफी अभियान से उत्साहित होकर अनेक छात्रों द्वारा मानवशास्त्र विषय को अध्ययन के लिए अपनाया गया। इन्होंने मानवशास्त्रियों को सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए प्रसार को स्वीकार करने के लिए उत्साहित किया। इनकी अभिरुचि सांस्कृतिक विकास की विस्तृत कहानी जानने में थी। इन्होंने मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण को ऐतिहासिक पक्षपात यानी हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म के नाम से जाना जाता है। इनके दृष्टिकोण को ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वर्तमान का वर्णन अतीत के शब्दों में किया एंड उन्होंने उनके दृष्टिकोण को पक्षपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रत्येक संस्कृति के इतिहास को अपने आप में विचित्र बतलाया। इसी रीजन से फ्रांस बॉस ने बहुत सारे बुक्स लिखी हैं और सारे बुक्स में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते ही बनता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, प्रिमिटिव आर्ट, रेस लैंग्वेज एंड कल्चर, कॉकिटल एथनोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू हैंड बुक ऑफ अमेरिकन इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन लिंग्विस्टिक फैमिलीज ऑफ अमेरिका नॉर्थ ऑफ मैक्सिको सेंट्रल स्कीमो, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, जनरल एंथ्रोपोलॉजी, द मेथोलॉजी ऑफ द बेला कुला इंडियंस। तो गाइस इस तरह से लॉट्स ऑफ उन्होंने बुक्स लिखा है और पब्लिश हुआ है बहुत ही ज़्यादा। कुछ बुक्स का नाम मैंने बताया इस वीडियो में, कम से कम मुझे लगता है 20+ बुक्स है एंड 700+ उनका रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हुआ है। तो गाइस फ्रांस बॉस की बात करें तो विश्व में ऐतिहासिक विधि के महत्व के बारे में विशेष आशावादी बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन में व्यक्ति की भूमिका का पता लगाया क्योंकि एक बार यह स्थापित हो जाने पर नियमों की खोज में आसानी हो जाती है। इसी रीजन से जब इतिहास और ऐतिहासिक पुनर्निर्माण से फ्रांस बॉस को मोह भंग हुआ तब उन्होंने व्यक्ति की भूमिका की और अपनी अभिरुचि बढ़ाई। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करने के लिए फ्रांस बॉस उस बात से अच्छी तरह परिचित हो गए थे कि व्यक्ति अपने संस्कृति में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करता है एंड इसी रीजन से संस्कृति और व्यक्तित्व एक दूसरे को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। तो ये ऐसा फ्रांस बॉस का मानना था। मानव जाति वर्णनकर्ता के रूप में भी उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। कॉकिटल एथनोग्राफी जो इनकी बुक है इसमें आप देखोगे फ्रांस बॉस के शोध मुख्य रूप से नातेदारी संगठन कला पौराणिक कथा के अध्ययन पर आधारित है। कथा का अध्ययन उनकी भाषा में अभिरुचि के कारण है। उन्होंने अनुभव किया कि भाषा विषय के सामग्री लोगों के मौखिक साहित्य के अध्ययन से संकलित हो सकती है। वे इस बात से भी परिचित थे कि इनमें से अधिकांश जो सामग्री है वो लुप्त हो जाएगी क्योंकि भारतीय जनजातियों की संस्कृति तेजी से परिवर्तन हो रही थी या लुप्त होती जा रही थी। उन्होंने भारतीय जनजातियों को पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा, लोक कथा, प्रार्थना आदि का संकलन आरंभ किया। उन्होंने अपने अध्ययन में कई भारतीय समूहों को शामिल किया जैसे निचुक, बेलाकुला, तस, मानियन, कॉकिटल, स्कीमो, ये सारे लोगों को उन्होंने शामिल किया।
तो गाइस फ्रांस बॉस एक लोक साहित्य के रूप में कैसे शामिल हुए, कैसे उभर कर रहे थे। आदमी समूह की उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए फ्रांस बॉस ने लोक साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि मौखिक परंपरा जनजातीय समाजों का अलिखित ऐतिहासिक वर्णन हो सकता है। उन्होंने भावी पीढ़ी के बौद्धिक लाभ के लिए लोक साहित्य को सुरक्षित रखने के पर्पज से समझा कि अगर सुरक्षित इसे रखना है तो सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। उन्होंने इस विचार को भी अस्वीकार कर दिया कि पौराणिक कथा की उत्पत्ति प्रकृति के मानव रूपांतरण की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के कारण हुआ है। उनका मत था कि पौराणिक कथा का ग्रहण एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, वरन उसकी विषय वस्तु को सामान्य रूप से ग्रहणकर्ता द्वारा अनुकूल बना लिया गया था। एंड पौराणिक कथा अंशतः संस्कृति द्वारा एंड अंशतः मानव संस्कृति की कल्पना के द्वारा निर्धारित होती थी, ऐसा फ्रांस बॉस का कहना था। मानव शास्त्र के विकास में बहुत क्षेत्रीय योगदान देने के बावजूद फ्रांस बॉस की आलोचना की गई। फ्रांस बॉस पर आरोप है कि विनिबंध संबंधी उनका आरंभिक विश्लेषण भौगोलिक संबंधी थी। बॉस ने 1883 से 1884 में वफिनलैंड शोध यात्रा एक भूगोल के रूप में किया था। अतः स्वाभाविक था कि वफिन के ऊपर लिखा गया विनिबंध भौगोलिक शब्दों से ओतप्रोत होंगे। उनके द्वारा यानी उनके दूसरे विनिबंध सेंट्रल स्कीमों की बात करें पर भौगोलिक शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है। मार्विन हैड इसका कहना था कि जब बॉस दोनों विनिबंधों को लिख रहे थे तब उस समय वे बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी में भूगोल विषय में क्या थे, लेक्चरर के रूप में वहाँ पे नियुक्ति पाने वाले एक उम्मीदवार थे। एंड इसी रीजन से वे भूगोल के प्रभाव को अपने आरंभिक दो विनिबंधों में कम नहीं कर सके थे। जब वे 1896 से अमेरिका में गए तो अमरीका में एक मनोशास्त्री के रूप में स्थायी रूप से नियुक्त हो गए। तब उन्होंने कभी भी भौगोलिक विषयों के अध्ययन पर बल नहीं दिया। तो ये था कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रांस बॉस का। फिर मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।